और आपकी खुशकिस्मती। आज एक मरतबा फिर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में हम सब हाजिर हैं। अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा के जितने अराकीन हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी खूबसूरत महफिल नाज सजाने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे बड़े प्यारे दोस्त फ़ख्र हाफसाबाद इज़्ज़त माब कारी कुरान कारी जवाद खिज़रवान साहब। आपने हुक्म किया है और ये भी हुक्म किया कि आप ज़रा ज़िक्र अहले बैत के हवाले से हाज़िरी पेश करें। शहनशाह नकाबत जिनको ये लफ्ज़ सूट करता है मेरी मुराद अलहाज इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहब, हमेशा की तरह आप प्यार फरमाते हैं और बड़े खूबसूरत चेहरे हमारे साथी प्यारे दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं। सभी लायक सद एहतराम है हमारे लिए। मैं सब के लिए यही कहूँगा महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इमरान भाई किबला कारी साहब ने क्या खूब अंदाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाई है। जो मुझे हुक्म मिला है मैं उसी हिसाब से दो दो अशार पेश कर रहा हूँ वक्त के अंदर। कोई लब कोई ज़ुबान खामोश न रहे जिन्हों दरूद पाक आंदा है, एक बार ज़रा सज्जा हाथ बुलंद करके माशाल्लाह जिडे सोने चेहरे लैके बैठे मुरझाए अच्छे नहीं लगते। उची ज़रा अदील भाई सलामत अली माशाल्लाह अहमद सौंड हाथ बुलंद करके उची ज़रा आवाज़ न दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या बुलंद आवाज रसूल दस्त बस्ता जहाँ सारे ज़माने वाले। अगली लाइन बड़ी वड्डी है, हाथ बुलंद करके मैं दसना चाह रहा कि दस्ता बस्ता किन्ना दे अगे ने ऐसिया हस्तियाँ ने। जरा हाथ बुलंद करो सारे रल के शामिल हो जाओ सब दी हाजिरी हो जाएगी मिल के। दस्त बस्ता है जहां सारे जमाने वाले, दस्त बस्ता है जहां सारे जमाने कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला कितने आला कितने आला है मोहम्मद। ऐसे रोए जीते जी बहुत शुक्रिया मेहरबानी। खुदा की कसम हजूर दी आल नालों कोई आला नहीं। अगर इस गल का यकीन है ईमान है एक बार दाया हाथ बुलंद करके सारे इस गल का इजहार करो इकरार करो शामिल होकर कह दो सारे कह दो माशाल्लाह। कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला कट के शबीर ने कर्बल में ये किया साबित, कट के शबीर ने कर्बल में ये किया साबित।
डरावा निभाते हैं निभाने वाले इस डरावा निभाते हैं निभाने वाले इतने आला घराने वाले बस्त बस्ता मुझको दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है मुझको दुनिया के सहारों मुझको दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है क्यों कहते हैं है मुहाफिज मेरे पंज तर के घराने वाले है मुहाफिज मेरे पंज तर के घराने वाले इतने आला इतने आला इतने आला है मोहम्मद के घराने वाले बस्त बस्ता कर साहब जरा कलाम तुझे हुक्म किया है तो जो बड़ा खास कलाम है खास लोग बैठे हो मैं पहले भी पढ़े है तो जो करनी है लेकिन हुक्म है तो जो करनी उची आप उधर सुभान अल्लाह रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पूछने हुसैन किए अगर हुन ने तुसी बोले तो फिर मैंने दुख होगा खुदा की कसम उन्होंने करबला के मैदान अंदर अपन जान के नजराने पेश किए उन्होंने दोवें हाथ नहीं बुलंद कर सकते सलामी गिदर ली तो रुतबा ही थोड़ा ही बुलंद होना है कर लो माशाला बजुर्गों ने वेखो और बाबा जी वेखो बीमार आदमी उधर वेखो जरा एक घर से खुंडी फड़ी है दोवें हाथ बुलंद किए तुम जवान हो तुम हूँ हाथ नहीं बुलंद कर रहे कल थोड़ा की बनेगा हाथ खड़ा करके कहना है रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पूछने हुसैन किए रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पूछने हुसैन किए रसूल नाना बाबा लिए रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पूछने हुसैन किए रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पूछने हुसैन किए हुसैन दी मां नबी दी धीए अजे भी पूछने हुसैन किए रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पूछने हुसैन किए हुसैन को दे नबी च पलिया तीसराए इमाम चलिया हुसैन को दे बीच पलिया तीसराए इमाम चलिया
पंजवां जीए हाथ इत्थे आना चाहिए अजे भी पुछने हुसैन की हुसैन पंज पंजवां जीए अजे भी पुछने हुसैन की हैरान ने सब यजीद कोले बगैर थड़ तो हुसैन बोले हैरान ने सब यजीद कोले बगैर थड़ तो हुसैन बोले नारा हैदरी दीन भाई आमद भाई सुभान अल्लाह क्या बात हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर थड़ तो हुसैन बोले हाथ इत्थे दा आना चाहिए और मिलके कहना है शहीदां दी ए हो जिंदगी ए अजे भी पुछने हुसैन की ए रसूल नाना बाबाली ए अजे भी पुछने हुसैन की ए कारी साहब फरमा रहे हैं कि दोबारा शेर अगर तुहाडा ख्याल है तो सुभान अल्लाह उच्ची कह दो यार जिन्ना इन्हां दे नाते गल ही बड़ी वड्डी है और रिपीट तो होनी चाहिए तुसीं भी रिपीट तो सुभान अल्लाह ला दिओ कह दिओ हैरान ने सब यजीद बोले बगैर थड़ तो हुसैन बोले हैरान ने सब यजीद बोले बगैर थड़ तो हुसैन बोले हैरान ने सब यजीद बोले बगैर धड़ तो हुसैन बोले शहीदां दी ए ओ जिंदगी ए अजे भी पुछने हुसैन की ए रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पुछने हुसैन की सबर विच सिदे नाज करदा है केड़ा साहब हुसैन वरगा बहुत वड्डी है सबर भी जिसते है नाज करदा सबर आप ही सबर भी जिसते किसी का जवान पुत्र मर जाए ना तो लोग कहते हैं यार कोई गल नहीं सबर कर जिवें अल्लाह दी रज़ा सी गल वेखनी शायर ने की लिखी है सबर भी जिसते है नाज करदा है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा वड्डी डिग्री है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा तो जो करनी है सबर भी जिसते है नाज करदा कर साहब सबर भी जिसते है नाज करदा है केड़ा साबिर हुसैन वर्गा लुटा के सब कुजे न कीता सीए अजे भी पुछने हुसैन की ए लुटा के सब कुछ न कीता सीए अजे भी पुछने हुसैन की ए रसूल नाना बाबा लिए अजे भी पुछने हुसैन की ए मैनू क्या भी नहीं लेकिन मैं मौके की मुनासिबत में हमेशा समझ के पढ़ना दो शेर बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह दी बारगाह और एक मौला अली सरकार हाजरी मुकम्मल
सुभान अल्लाह कह दो, सिलेक्शन तो सुभान अल्लाह कह दो। इतने तो बन दी ना तो जो मैं एक ऐसी हस्सी का जिक्र कर रहा जिन्हों का सदका कुल कायनात खाती है तो फिर मिलके आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं जरा वादा किया कि दो साल और एक शेर मौला सरकार की बारगाह कर सब ठीक है, ये जो भी मतलब करना है दाया हथ बुलंद करके आखो सुभान अल्लाह। जो भी आके सही अदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सही अदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सही अदा दे दर ते बह गया, जो भी आके सही अदा दे दर ते बह गया, जग फिजा दे शान तकदर गया, जग फिजा दे शान तकदर गया, फातिमा जिसनु दुआ है वे पास है, वे पास है, राजी अब्बास है, राजी अब्बास है, कट गए बाजू अलम नहीं फेर भी छड़िया, कट गए बाजू अलम नहीं फेर भी छड़िया, हिंज वफा फंदी गाजी चक न गया, जो भी आगे सही अदा दे दर दे गया। आखिरी शेर
हाजिर मुकम्मल मौला ने सरकार का गुलाम जिमें किबला रिजवी साहब फरमा रहे सन असं सुनी हाँ हजूर दयाले बैद गुलाम सरकार के साहबा दे नौकर हजरत उस्मान गनी और मौला ली सरकार मैं एक शेर पेश कर रहा सिर्फ मौला ली सरकार की बारगाह जिदा अली मौला ओदरा हाथ बुलंद करे माशाल्लाह ये तो कहने वाली गल ही नहीं हर मोमिन का मौला जरा हाथ बुलंद करके आखिरी शेर ते शामिल हो जाना मिलके कहना है मैं मुरीद हां अली दा मैं मुरीद हां अली दा मेरा पे शिवा अली है मेरा पे शिवा अली है जरा मुरीद जुड़ी नौकरी जमान है जरा दाया हाथ बुलंद करे दिल कट कर दो पहले जैसा रहा सुभान अल्लाह कमाल चला रहे हो जिन्हों मुरीद होने ना माशाल्लाह बख्ता लियो अली का नौकर हाथ बुलंद करे दूजे नु दावत नहीं चौधरी नु दावत नहीं मौला अली सरकार के कमी नु है हाथ खड़ा करके कहना है मैं